आज आपको सिखाएंगे भट्टी बनाना। तो दोस्तों, अगर किसी भाई को लड़का कार्य करता है और अन्य कार्य करता है जिनमें भट्टी का उपयोग होता है कच्चे माल को पक्का करने के लिए, यह वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने मेरी वीडियो को देखकर और अपनी जो समस्या है भट्टी का की बारे में जानने के लिए इस चैनल पर है। अगर कोई भी भाई अगर भट्टी के बारे में जानना चाहता है तो पहले सब्सक्राइब करे, उसके बाद जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जानकारी दे देता हूँ बट और सब्सक्राइब नहीं कर पाते, और मेरे सब्सक्राइब यही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक फैले। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो भट्टी बनाने के लिए मैं मिट्टी और गोबर को मिक्स कर रहा हूँ, जिससे भट्टी जब बनाता हूँ उसको चुनने के या निर्माण कार्य में उसकी ताकत अधिक हो। तो आप देख रहे हो भट्टी बनाने वाली कारीगर को, वो अपना पूरा मेहनत कैसे लगा रहा है, और आप देख सकते हो इसमें कार्य बहुत कठिन का भी है। अब इसके अंदर हमने गोबर को, मिट्टी को अच्छी तरह से लगा रहे हैं, पीस पीस रहे हैं। इसका यही कारण है कि वो मिट्टी और गोबर को अच्छी तरीके से मिला लें, क्योंकि उसको अच्छी तरह से मिलाने से वह गोबर मिट्टी के अंदर मिक्स होकर वह एक तरह के मसाले काम आता है। इसलिए हम रेता, बजरी, सीमेंट को अच्छी तरह मिलाते हैं, उसके बाद चुनते हैं तो मकान एकदम ठीक ठाक हो जाता है। तो हम इसी प्रकार से इसको चुनेंगे। तो आप देख सकते हो मेरे जहाँ तक कि मुझे कितना पानी डालना है, कितना नहीं डालना है, तो मैं अपनी हथेली के हाथ से बना रहा हूँ। अब देख सकते हो आप, धीरे धीरे मैं उसकी आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप देख सकते हो भट्टी बनाने का सरल उपाय और सजग। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। तो चैनल के बारे में हम आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, आप भी ऐसी वीडियो देखते हो तो आप हमसे संपर्क करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को बजा के। आपसे हमारा कोई ऐसा कोई वह नहीं है जो हम आपको जानकारी नहीं देंगे, पर आप हमारे से जुड़ने के लिए संपर्क बनाए रखें। तो आप देख सकते हो दूसरे पार्ट्स में यहाँ भट्टी के निर्माण के लिए वहाँ से थोड़ी बहुत मिट्टी हटाई जा रही है, जिससे कि हम भट्टी की ईंटें जमा सके। आप देख सकते हो कोने में कुछ ईंटें पड़ी हुई है, तो हम उनको ही निर्माण कार्य में लेंगे। तो यहाँ पर पुरानी भट्टी का एक निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो चारों तरफ यही बनाएंगे अपन। इसमें कुल्हड़, मटकी, दिए, सराय, भूलवा, छोटा घड़ा, गुल्लक और कुम्हार के जितने भी आइटम रहते हैं, ताया बनाना, तो सारा पकने के लिए भट्टी बनाई जा रही है नीचे वाली ईंटों के द्वारा। तो आप देख सकते हो मिट्टी गीली करी जा रही है इसमें, और ये लगाए अब यहाँ से लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, निर्माण कार्य स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख रहे हो कि मैं अब आपके द्वारा कुछ ईंटों का निर्माण चल रहा है, और यह इस तरह धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहना और शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो को कहीं से अधूरा छोड़ना नहीं, क्योंकि आप अधूरा देखते हो मिट्टी और भट्टी बन नहीं पाती आप पे से ढंग से। तो आप देख रहे हो भट्टी बनाने के कार्य। तो आप इस भट्टी में बनाने के लिए 1400 से 1500 ईंट आराम से लगा सकते हो, और आप इसमें अधिक से अधिक माल पक सकता है आपका। तो आप जानकारी के लिए देख सकते हो। वैसे तो इसमें देखा जाए अंडरग्राउंड बनाते हो तो ज़्यादा लगती है, इसमें आपको ज़्यादा ईंटें लगेगी, इसमें लगभग लगेगी 1400 से 1500 ईंटें, और जो आप पीछे जो वीडियो देख रहे थे उसमें कम लगती है, उसमें 500 से 600 ही लगती है। तो आप देख रहे हो ये नई भट्टी है, कुल्हड़, गुल्लक, दिया, सराइस, कटोरी है, कप है, उनको पकाने के लिए काम आती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं मोल्ड। तो किसी भाई को मोल्ड की भी ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क कर सकता है, बनवा सकता है, रेडीमेड खरीद सकता है। सारे पार्ट्स यहाँ आपको उपलब्ध मिलेंगे मिट्टी के मशीन और मिट्टी के पार्ट्स के लिए। तो आपको अब दूसरी वीडियो में दिखाई दे रही होगी भट्टी। यह भट्टी वो भट्टी है जिसके अंदर आपको बता रहा था कि मैं इसमें 600 से लेकर 700 ईंटों का उपयोग करके आप अपने मिट्टी का कार्य या मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कुल्हड़, मिट्टी के दिया, मिट्टी के बड़े लस्सी वाले कुल्हड़ का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमसे आशा है कि आप इन कार्यों के लिए हमसे संपर्क करने के लिए बहुत ही
कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है, अब इसकी लिपाई होगी चारों तरफ से। तो आप देखेंगे वहाँ कि हम लिपाई कैसे करते हैं। लिपाई करने में तो इसका एक कारण है पक्का माल निकलना अच्छी तरीके से, लाल हुआ माल, काला पीला कहीं से नहीं, और माल में कोई शिकायत नहीं आए, तो इसलिए हम इसको बाहर से और लीप रहे हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं चैनर की तरफ, तो आप देख रहे हो इसकी रिपेयरिंग की जा रही है। हमने पहले भी रिपेयरिंग कर चुकी थी, इवन फिर भी हम दोबारा इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसे कार्य करते हो या करा रहे हो तो आप हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हो, पर जानकारी देने से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानकारी पहले भी देता था, चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करता जानकारी लेने के बाद, ना तो वो वीडियो देखते हैं ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वो अपना कार्य करने में बिजी रहते हैं। तो दोस्तों हमसे आपसे यह आशा है कि आप हमारी वीडियो का देखने का अनुभव लें और उससे कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों हम भी एक ऐसे आपको एडवर्टाइज देते हैं जिससे कि आप अपने जीवन में और ज़िंदगी जीने के लिए कुछ रोज़गार ढूंढ रहे हो और उसमें आपका सहयोग करते हैं, फिर भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करते, ना लाइक ना फॉलोवर बढ़ाते हो ना कमेंट्स, और भी अन्य तरह की समस्या का सामना हमें भी करना पड़ता है। तो हम किसी से जानकारी नहीं लेते हैं, फिर भी हम आपको ब्लॉग चैनल बनाते हैं। तो दोस्तों हमको ऐसे निराश ना करिए जिससे हम आपके चैनल को वीडियो पर अपलोड ना करें। तो आप देख सकते हो कुल्हड़ बनाने और पकाने के लिए बनाई गई भट्टी, और ये भट्टी का वह दूसरा भाग है जिसको हम संपूर्ण रूप से लीप चुके हैं और लीप रहे जा रहे हैं। तो आप भी ऐसे कार्य में लीन होना चाहते हो तो संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई समस्या आती है